नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर बेरमो विधायक अनूप सिंह ने रामगढ़ के कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी विकास पुरुष होने का दावा करते हैं, जो गलत है। अगर उन्हें रामगढ़ के लोगों से प्यार होता तो 15 साल सत्ता में काबिज होने के बावजूद स्वार्थ के लिए रामगढ़ को छोड़ गिरिडीह नहीं जाते। होगा कि जिस ममता देवी ने ममता दिखाते हुए रामगढ़ की गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ी थी, क्या उसके बच्चों को उसकी मां का ममता मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि उससे वंचित रहना पड़ेगा, ये रामगढ़ की जनता को अब देखना होगा। क्योंकि शायद कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे मैं हूं या कोई भी जनप्रतिनिधि, गरीब के लिए आवाज उठाना बंद कर देगा अगर ममता देवी के साथ ना इंसाफी होती है। और बजरंग यादव, बजरंग मातो चुनाव हारते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि आगे जाके कोई भी जनप्रतिनिधि गरीब के लिए काम कर पाएगा। हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम लोग ने सीएलपी दिलाया, सीपीएल दिलाया पुलिस कर्मियों को, सैया सेविका का काम किया हम लोग ने सरना धर्म कोड लागू किया, हम लोग ने 1932 का विधेयक पास किया। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं वो जनता देख रही। मुद्दा के बेसिस पे अगर आप उपचुनाव को देखेंगे तो मैं समझता हूं, पत्रकार बंधुओं से भी मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग ने पार्टी बेसिस पे वोट देना सीखा है, हम लोग ने व्यक्ति बेसिस पे वोट देना नहीं सीखा है। अच्छा, अगर मैं आया हूं कौन कौन से दिन, कहां कहां, किस किस समय हम लोग को सभा करना है, कैसे हम लोग को चुनाव का कैंपेन करना है और कहां लोगों को जागरूक कराना है कि जिस तरीके से इस यूपीए गठबंधन ने जेएमएम और कांग्रेस और राजद की पार्टी सरकार ने मिलकर लोकतंत्र के तहत जनहित में कार्य किए हैं और 3 साल में जनता को क्या क्या फायदा पहुंचा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।